इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती की वैकेंसी के बारे में बताऊँ, यानी कि जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए होगी, ट्रेडमेंट 10th पास, ट्रेडमेंट 8th पास के लिए वैकेंसी होगी, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, इंडियन आर्मी की ओर से रेली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि भारतीय सेना की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि अगर आपने कम से कम 8वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, कॉन्स्टेबल, क्लर्क, ट्रेडमैन प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है, सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। और जो आपको यहाँ पर आवेदन करना है, केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से इस भर्ती में आवेदन करना होगा। कब से कब तक आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, किस दिन आपके यहाँ पर रैली की दौड़ में जाना होगा, सभी जानकारी के लिए वीडियो कम्प्लीट जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो आपको यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई, तो यहां पर नोट मेंशन यानी कि नहीं बताया गया है कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और कभी भी इंडियन आर्मी जो रैली भर्ती कराती है उसमें मेंशन नहीं करती है कितनी वैकेंसी निकाली गई, यानी कि नहीं बताती है कितनी वैकेंसी निकाली गई। जो आपको यहां पर पोस्ट दी गई है तो आप यहां पर चेक कर पाएंगे। जनरल ड्यूटी जीडी, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए होगी, ट्रेडमेंट 8th पास और ट्रेडमेंट 10th पास के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें, यानी कि जो आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन पोस्ट के लिए जो आपकी हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए 167 सेंटीमीटर और क्लर्क पोस्ट के लिए 162 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट हैं तो जो आपकी हाइट रहेगी सभी पोस्टों के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है। तो हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपका वेट रहेगा कम से कम 50 किलोग्राम होना अनिवार्य है, जो आपकी चेस्ट रहेगी 70+5 सेंटीमीटर का उसमें फुला होना अनिवार्य है, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। जो आपके यहाँ पर दौड़ रहेगी वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम का समय लेते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड का समय लेते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ग्रुप में लिया जाएगा। सिटअप्स आपके यहाँ पर 10 रहेंगे, पुशअप्स आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में क्या आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल लेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के लिमिट की बात करें, तो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग आपके यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। क्लर्क पोस्ट के लिए जो आपकी एज रहेगी 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल पोस्ट के लिए भी और ट्रेडमैन पोस्ट के लिए भी 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो जीडी की पोस्ट होगी उसमें आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में आपकी एज होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे जो इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे 45% अंकों के साथ, और आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर भी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ट्रेडमैन की पोस्ट होगी 10वीं और 8वीं पास के लिए, उसमें यहाँ पर कोई परसेंटेज का इशू नहीं रहेगा, बस आपके 33 नंबर हर सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। टेक्निकल पोस्ट के लिए आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 10+2 यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, वो भी 50% अंकों के साथ होना अनिवार्य है, और आपके हर सब्जेक्ट में 40 नंबर होना अनिवार्य है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, इसमें भी आपको सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पर बायोलॉजी के साथ अगर आपने 12वीं की हुई है तो आप इस भर्ती में जा पाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, क्लर्क पोस्ट के लिए 10+2 यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य है 60% अंकों के साथ, वो आपने किसी भी स्ट्रीम के साथ किया है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, और आपके हर सब्जेक्ट में 50 नंबर भी होना अनिवार्य है।
अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या फिर इस रैली में जाना चाहते हैं तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। इनकी सभी की जीरोक्स आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा जिस दिन आप रैली में जाएंगे। एजुकेशन की सभी डिटेल यानी कि जीरोक्स फोटोकॉपी आपको यहाँ पर सभी की बनवा लेनी है। डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, एफिडेविट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में जा पाएंगे। जो एफिडेविट है जो रैली वाले दिन का ही चाहिएगा यानी कि आप उसी दिन भी इसको बनवा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर रनिंग लगा देते हैं तो आप एफिडेविट बाद में भी बनवा सकते हैं, आपको वहाँ पर कुछ समय दिया जाएगा। अगर आप हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी। अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना होगा जो कि यहाँ पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे यहाँ से कर पाएंगे, नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जैसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है ARO यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जमुनानगर की ओर से निकाली गई यानी गुजरात में यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब बात रहे यहाँ पर इस भर्ती में कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पर 12 जिले के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, इसमें वो भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कस में नाम है तो आप इस भर्ती में जा पाएंगे। अब बात रहे यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे और रैली का एड्रेस जारी होगा वो यहाँ पर 10 दिन पहले बताया जाएगा, वो भी आपके एडमिट कार्ड पर ही मेंशन किया जाएगा। जो इस भर्ती के जो आवेदन है अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, स्टार्ट तब होंगे जिस दिन भी यहाँ पर आपकी रैली की डेट आएगी उससे एक मंथ पहले आपके यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन है स्टार्ट हो जाएंगे, वो यहाँ पर साफ साफ बताया। 30 दिन पहले तक आप यहाँ पर इस भर्ती का आवेदन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर 30 दिन बाद आपको यहाँ पर रैली की डेट दे दी जाएगी और रैली से 10 दिन पहले आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, आप यहां पर सभी जानकारी ले पाएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना है, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। यहां पर जो हु कैन अप्लाई रहेगा वो कैंडिडेट के यहां पर मेंशन किया गया है। जो यहां पर संभावित डेट रहेगी वो आप यहां पर चेक कर पाएंगे, 10 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2020 के बीच में रहेगी। वैसे आप हमारी वेबसाइट पर बार बार इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको सबसे तेज अपडेट मिल जाएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।